हाय एवरीवन, आई एम अनिल कुमार, मोटिवेशन स्पीकर। आज मैं LLB के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपको जानकारी है LLB बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, उसको कैसे पास करना है और LLB में कैसा अच्छा स्कोर लेना है और कैसे नोट्स प्रिपेयर करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे एग्जाम लिखना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, मैं पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कैसा LLB पास करना है और हाउ टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन LLB। दिस वीडियो विल गोइंग टू गेट गुड बेनिफिट ऑफ इट। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल अनिल कुमार KT। आपको LLB के बारे में पूरा मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज। इन फ्यूचर ऑल्सो आई विल डू मेनी वीडियोज पर्टेंस टू LLB। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। अभी आइए हम बात करेंगे LLB के बारे में, कैसे हम LLB पास करेंगे करके। अभी LLB में 3 ईयर LLB है और 5 ईयर LLB है, कुछ फर्क नहीं, दोनों को सेम है, कुछ उसमें डिफरेंस कुछ नहीं, खाली वो 2 साल ज़्यादा पड़ेगा, हम 2 साल कम पड़ेगा, लेकिन डिग्री पढ़ता है। डिग्री की पढ़ने के बाद 3 इयर्स LLB होगा और 10+2 होने के बाद 5 इयर्स LLB होगा। आइए शुरू करेंगे अच्छा से। LLB ज्वाइन होने के बाद अब क्या करना है, कैसे भी ग्रंथल रहेगा कॉलेज में, आप डेली अटेंड कर लीजिए आपका क्लासेस में, जो लेक्चरर दो देता है लेकिन पाठ प्रवचन करता है उसको ध्यान से सुनिए, वो सुविधा होता है आपको लिखने में एग्जाम्स। ग्रंथालय में आपको पूरा सिलेबस रहेगा LLB का, वो पहले LLB सिलेबस ले लीजिए, आप एक जरास कर लीजिए उसको, आपका पास हमेशा वो सिलेबस रहना ही है आपके पास। एक बार, दो बार, तीन बार ध्यान से पढ़ लीजिए पूरा सिलेबस को, आपको एक वर्ड भी मतलब पक्षी नोट ऐसा आपको आ जाएगा आपका मन में, सब्जेक्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसमें कौन सा चैप्टर्स रहेगा, आपको पूरा पता चलेगा आप सिलेबस पढ़ने में। कोई कोई लोग रहते हैं वो सिलेबस पढ़ता ही नहीं, खाली टेक्स्ट बुक लेता है, टेक्स्ट बुक पूरा पढ़ लेता है, वो यूजफुल नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए उसमें कौन सा चैप्टर्स है, उसमें कौन सा आज उस चैप्टर्स में कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, वही आपको पढ़ना है, ये जरूर जानकारी लीजिएगा इस बात को। वो सिलेबस लेने के बाद अब क्या काम करना है, आप 6 या 5 इयर्स का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स लीजिए, कोई यूनिवर्सिटी हो, आप जो कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है उसमें उसका वेबसाइट हो सकता है, नहीं तो कॉलेज में आपको मिल सकता है, नहीं तो टेक्स्ट बुक्स के अंदर भी हो सकता है, वो 5 या 6 साल का क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल सकता है, उसको ज़रूर आप एक प्रिंटआउट ले लीजिएगा। प्रिंटआउट लेने के बाद आपको पूरा क्वेश्चंस को आपको लिखना है, कैसे लिखना है मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लिखना है करके, एक मिनट। अभी देख लीजिए मैं क्या किया हूँ, ऐसा चेक कर लीजिए। अभी इसमें जुरिसप्रूडेंस लॉ
उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं क्या किया हूँ, पूरा 6 साल का मैं क्वेश्चन पेपर्स लेकर मैं खुद मैं किया हूँ, ऐसा क्वेश्चंस को मैं किया हूँ। डिस्कस द वैल्यू ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस, एक्सप्लेन लॉ एज कमांड ऑफ सोवरेन, ऐसा मैं पूरा मैं लिख के मैं टाइप किया हूँ। किसके लिए मैं टाइप किया हूँ, मेरे को अच्छा ये करने के लिए मैं ऐसा टाइप किया हूँ। इसमें कम से कम 45 क्वेश्चन है। इस तरह से आप क्या करना है, 45 क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करना है उसका सिलेबस के हिसाब से और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स का हिसाब से आपको क्या करना है, इसको लिख के रखना है पहले पॉइंट। उसके बाद क्या करना है, आपको 2 या 3 टेक्स्ट बुक खरीदना है, नहीं है तो आपको ग्रंथालय में मिलेगा वो टेक्स्ट बुक को उसको यूटिलाइज करना है। आपको 2 या 3 टेक्स्ट बुक लेकर पर ईच सब्जेक्ट 2 या 3 बुक्स चाहिए। उसमें जो क्वेश्चंस ले चुका है ना आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से, वो उसको आपका हिसाब से एक नोट्स बना लीजिए। मैं दिखाता हूँ कैसा नोट्स करके, आप ले देख लीजिए। किया हूँ देख लीजिए, लेबर लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। मैं क्वेश्चन पेपर्स ऐसा किया हूँ 50 क्वेश्चंस या 45 क्वेश्चंस में हर सब्जेक्ट को मैं आंसर्स किया हूँ। चेक कर लीजिए, व्हाट इज ले ऑफ, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस व्हेन इच द लेड ऑफ वर्कमैन आर नॉट एंटाइल टू ले ऑफ कंपनसेशन, ऐसा उसमें सेक्शन लिख लीजिए। उसके बाद पॉइंट्स लिख लीजिए, उसके पास वो हिसाब से इसको ऐसा लिख लीजिए, ऐसा मैं लिखा हूँ, चेक कर लीजिए और देख लीजिए। और सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द यूनिटी ऑफ रजिस्टर्ड टेरिटरी, उसका पॉइंट्स लिख लिख चुका हूँ और इधर तक लिख चुका हूँ। और देख लीजिए ऐसा क्वेश्चंस को आंसर्स मैं खुद किया हूँ, 2 या 3 टेक्स्ट बुक से मैं एक्सट्रैक्ट किया हूँ। समटाइम्स आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, उस समय में क्या करना है, आपको गूगल में सर्च कर सकते हैं, गूगल में आपको अच्छा आंसर्स मिल जाएगा। देख लीजिए ऐसा मैं हर सब्जेक्ट्स को ऐसा किया हूँ, कम से कम वो 30 to 40 pages ऐसा मैं किया हूँ। ऐसा करने के बाद आपको एक आइडिया आ जाएगा क्यों हम लिखना है, वो भी मैं आपको बात करता हूँ। डेली लिखेंगे तो आपका हाथ अच्छा सुविधा लिख सकता है, एग्जामिनेशन हॉल में आप कुछ गड़बड़ नहीं होते, आपको लिखना आराम से सुविधा में आप लिख सकते हैं। आप लिखना प्रैक्टिस नहीं करना है, करना नहीं है तो क्या होता है, आपको तकलीफ होता है एग्जामिनेशन हॉल में, आपको लिखना तकलीफ होता है। 3 आवर्स में 100 या 80 मार्क्स लिखना उतना आसान नहीं है, इसके लिए आप डेली कुछ कुछ लिखेंगे ना अपना हाथ अच्छा से सुविधा होता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मान लो आप मैराथन 100 मीटर्स रनिंग रेस करना है, एकदम आप रनिंग रेस नहीं करता है, नहीं कर सकता है, आप जीत नहीं सकता है, आप उसके लिए आपको प्रति दिन आपको दौड़ना है, दौड़ना है, दौड़ना है, दौड़ना है, दौड़ के प्रैक्टिस करके 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 आपको इतना सेकंड में आपको मैराथन 100 मीटर्स को आप जीत सकता है। उसके लिए आपको लिखना और पढ़ना प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और एक टिप है, आपको हिंदी में मत लिख लीजिए एग्जाम्स को, आप इंग्लिश में लिख लीजिए। आपको जो लैंग्वेज जो है, आप लोकल लैंग्वेज आप अच्छा से प्यार करता है, वो आप अच्छा से हृदय में रख लो, लेकिन उसको हम दबाना नहीं है, अच्छा है, लेकिन एडवोकेट बनने के बाद आपको इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। क्यों बोलेंगे तो, आप एडवोकेट बनने के बाद एक ड्राफ्टिंग लेटर करना पड़ता है, आपको ऑल मटेरियल्स जो LLB में जो मटेरियल्स है
सारे से सारा ज्यादा आपको इंग्लिश में ही मिलेगा आपको। उसके लिए मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इंग्लिश में लिखना आप शुरू कीजिए। आप इंग्लिश लिख के आपको इंग्लिश अच्छा से आ जाएगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग या वर्बल दोनों इम्प्रूव हो जाएगा। उसके साथ आप लिख लीजिए। कोई कोई लोग गांव से पढ़ाई करते हैं, उन लोगों को बहुत तकलीफ होती है आंग्ल भाषा में लिखने के लिए। उन लोग थोड़ा मेहनत करके आप इंग्लिश सीख लीजिए। वो लोकल लैंग्वेज अच्छा है, लेकिन हम ग्रो होने में इंग्लिश आना चाहिए जब हम वो अच्छा एडवोकेट बन सकते हैं। ये मेरा एक एडवाइस है, आपको सभी को एक एडवाइस है। मैं क्या बोल रहा था, आपको क्वेश्चंस लिखना है, 5 to 6 years क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को, वो पूरा क्वेश्चंस को अच्छा से आपका जो सिलेबस होता है वो सिलेबस देखकर आप क्वेश्चंस को मैच कर आप लिख सकता है और उसको आंसर भी बना सकता है। मैं दिखाया आपको प्रैक्टिकली कैसे मैं बनाया हूँ, कैसा मैं दिखाया हूँ आपको। जो मैं दिखाया है उससे आप करेंगे ना, आपको अच्छा सुविधा हो जाएगा एग्जामिनेशन लिखने में। ये हो गया नोट्स प्रिपरेशन। और नेक्स्ट कैसे पढ़ना है, आप सभी लिखने के बाद पूरा पहले क्या कीजिए, पूरा 5 या 6 सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट कर लीजिए, लिखना नोट्स लिखना कंप्लीट कीजिए। जब आपको टाइम टेबल अनाउंस होता है पढ़ने के लिए शुरू कीजिए, जब आपको अच्छा से सुविधा से हो सकता है। डेली थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं कि नहीं पूरा बिल्कुल मत पढ़ाई बंद करो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आपको डेली मॉर्निंग 1 आवर या 2 आवर आप पढ़ सकते हो, लेकिन इवनिंग लिखना है और मॉर्निंग पढ़ना है। क्यों मॉर्निंग पढ़ना है, आप मॉर्निंग फ्रेश माइंड में रहेगा, आपको अच्छा से कोई पढ़ता है आपको दिमाग में अच्छा से घुस जाता है। द नेक्स्ट टिप इज एग्जामिनेशन आ गया, नजदीक में आ गया, आप टेंशन नहीं लेने का। आप कैसे भी प्रिपरेशन किया है उसको पढ़ाई कर लिया है और की पॉइंट्स को लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, की पॉइंट्स को दिमाग में घुस लीजिए और कॉन्सेप्ट अच्छा से ध्यान से पढ़ लीजिए। जब कॉन्सेप्ट अंदर में घुस जाएगा ना, आपका हिसाब से आप लिख सकता है, आपका ओन वर्ड्स में लिखेगा तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। अभी कमिंग टू द एग्जामिनेशन हॉल, हम कैसे लिखना है LLB में, मैं आपको अच्छा से बताता हूँ। प्लीज नोट कर लीजिए मैं जो बोलता है, बहुत मैं एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। मैं अपना कॉलेज में सेकंड टॉपर हूँ, लेकिन एक्सेलेंट ग्रेड मेरे को मिला है, लेकिन उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैं जो टिप्स बोल रहा है उसको आप अपना जीवन को आप अडॉप्ट करो, आप अच्छा से आराम से एक्सेलेंट या आउटस्टैंडिंग ग्रेड आ जाएगा अपना कॉलेज में। एग्जामिनेशन में कैसे लिखना मैं आप भी जरूर बताता हूँ। पहले 5 मिनट का अंदर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइए, आप आराम से बैठिए और किसी से बात मत कीजिए और उधर इधर देखना नहीं चाहिए और डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, आराम से रहिए। आप बिफोर दैट एग्जामिनेशन हॉल टिकट और 2 या 3 पेन लेकर जाइए और एक स्केल, एक पेंसिल या मार्कर लेके जाइए उसके साथ। जब बैठ लीजिए, जो इनविजिलेटर आपको क्वेश्चन पेपर्स देगा, आपको क्वेश्चन पेपर देने के बाद आप अच्छा से पढ़ लीजिए क्वेश्चंस को, पूरा क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। आपको हर लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन का ऊपर एक चॉइस रहेगा, उसके लिए आप डरना नहीं है। आपको अच्छा से पढ़ेंगे तो आपको हर सब कुछ आप ध्यान से वो देखना होगा, आपको अच्छा से सभी लिख सकता है। आपको फर्स्ट पहले आपको बहुत अच्छा पसंद क्वेश्चन है उसको सेलेक्ट कीजिए, या 5 क्वेश्चन हो या 4 क्वेश्चन हो,
नहीं तो 3 क्वेश्चन हो, कोई भी हो, कुछ परवाह नहीं है। आप कौन सा अच्छा वाला आपको आते हैं वो आप ले लीजिए, फर्स्ट उसको प्रिफर कर लीजिए लिखना। लिखने में क्या होता है, अभी आप मान लो 5 यूनिट रहेगा, 5 यूनिट में दो 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 क्वेश्चंस रहेगा आपको। मान लो आपको कैसा टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन। कोई कोई लोग बहुत अच्छा से आता है उन लोगों को, लेकिन लिखना नहीं आते, लिखने में फास्ट नहीं है और टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन छोड़ दिया, टाइम नहीं मिला लिखने में, वो जरूर फेल होंगे, नहीं है तो अच्छा मार्क्स नहीं मिलेंगे उन लोगों को। टाइम मैनेजमेंट कैसा करना है, अभी ऐसा करके ऐसा उधर इधर दिखना नहीं चाहिए, और लिखना 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 कंपलसरी 3 आवर्स कंटिन्यूस लिखना है आपको। एक क्वेश्चन को 20 मिनट्स में आपको फिनिश करना है, और 10 मार्क्स क्वेश्चन है तो 20 मिनट्स में फिनिश करना है, 6 मार्क्स क्वेश्चन है तो 10 मिनट्स में फिनिश करना है आपको। ऐसा लिख के लिख के लिख के उसमें टाइम मैनेजमेंट करना है, लेकिन 10 मिनट्स लास्ट 10 मिनट्स आपको बंद करना है। बंद करने के बाद आप रिविजिट करना है उसको, पूरा क्या क्या लिखा है उसको सब कुछ, की पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, केस लॉज को अंडरलाइन करना है, इलस्ट्रेशन को अंडरलाइन करना है, कोई कोई इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करना है, ये क्वेश्चन होने के बाद एक स्केल में बंद करना है उसको, क्वेश्चन के आंसर को बंद हो गया करके। मैं कैसे बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, फर्स्ट आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, 3 या 4 लाइन इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद सेक्शन, सब सेक्शन और आर्टिकल, उसको कौन सा क्वेश्चन को कौन सा सेक्शन है और सब सेक्शन है, आर्टिकल है आपको लिखना है। उसके बाद 10 मार्क्स क्वेश्चन है तो 10 की पॉइंट्स लिखना है, 6 मार्क्स है तो 6 पॉइंट्स आपको लिखना है। 10 मार्क्स क्वेश्चन को 10 पॉइंट्स लिखने के बाद आपको एक एक पॉइंट को एक या दो लाइन पूरा विवरण देना है उसको। उसको देने के बाद जो कभी कभी क्वेश्चंस को इलस्ट्रेशन लिखना पड़ता है, कभी कभी क्वेश्चंस को केस लॉज लिखना पड़ता है, आपको इलस्ट्रेशन लिखना जरूरी है और एक क्वेश्चन को 2 केस लॉज लिखना जरूरी है। विदाउट केस लॉज नोबडी कैन गेट गुड मार्क्स इन एलएलबी। केस लॉज का हिसाब से आपको अच्छा आपको मार्क्स मिल जाएगा, उसके लिए आपको मिनिमम 2 केस लॉज लिखना जरूरी है। मैं उसके बाद केस लॉज लिखने के बाद आपको कंक्लूजन लिखना जरूर होना चाहिए, अभी 3 या 4 लाइन कंक्लूजन लिखना जरूरी है, जो एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन 3 to 4 लाइंस, देन वी कैन इफ यू नो डेफिनेशन यू कैन राइट डेफिनेशन ऑल्सो, व्याख्यान बोलते हैं उसको, व्याख्यान लिखना है उसको, उसका क्वेश्चन के ऊपर एक व्याख्यान लिखना है। वो व्याख्यान लिखने के बाद आपको सेक्शन सब सेक्शन आर्टिकल्स लिखना है, उसके बाद आपको 10 मार्क्स है तो 10 की पॉइंट्स लिखना है, उसको 10 की पॉइंट्स को एक या दो लाइन में विवरण देख के वो खत्म करना है। उसके बाद आपको केस लॉज नहीं तो इलस्ट्रेशन से तो इलस्ट्रेशन लिखना चाहिए एक या दो, नहीं तो केस लॉज 2 कंपलसरी लिखना चाहिए, और 2 केस लॉज लिखने के बाद एक कंक्लूजन देना बहुत जरूरी है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, वंस अगेन आई विल रिपीट, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, उसके बाद सेक्शन सब सेक्शन आर्टिकल, उसके बाद एक डेफिनेशन, उसके बाद 10 की पॉइंट्स, और 6 मार्क्स है ये तो 6 की पॉइंट्स, 10 मार्क्स है तो 10 की पॉइंट्स, 10 की पॉइंट्स ईच की पॉइंट्स को एक या दो लाइन विवरण देना है। उसके बाद इलस्ट्रेशन, इफ रेफर टू द क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन के बाद एक दो केस लॉज लिखना जरूरी है, उसके बाद कंक्लूजन देना जरूरी है। इसका हिसाब से आप लिखेंगे ना, हर क्वेश्चंस को ऐसा लिखेंगे ना, आपको अच्छा से वैल्यूएटर आपको मार्क्स मिल जाए, मार्क्स देगा,
और प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन। प्रेजेंटेशन कैसे करना है देख लीजिए, आप अच्छा से ड्रेस पहनेंगे ना आप अच्छा दिखता है, वैसा हम प्रेजेंटेशन को अच्छा देना है। लेकिन इंट्रोडक्शन को एक अंडरलाइन कीजिए, उसके बाद सेक्शन सब सेक्शन आर्टिकल्स उसको अंडरलाइन कीजिए, उसके बाद एक डेफिनेशन कुछ अंडरलाइन कीजिए, उसके बाद 10 की पॉइंट्स रहेगा, 10 की पॉइंट्स को काली की पॉइंट्स को अंडरलाइन कीजिए और उसका विवरण जो है उसको अंडरलाइन मत लिखना है। और उसके बाद जो केस लॉ से लीडिंग केसेस है, लीडिंग केस को या मान लो गोपाल घोष वाइस वेस्ट बंगाल उसको अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद कंक्लूजन जो है कंक्लूजन को अंडरलाइन कीजिए। अंडरलाइन करने के बाद एक क्वेश्चन हो गया पूरा, उसको पूरा एक केल में क्लोज कर दीजिए वो क्वेश्चन को, जब एवेल्युएटर को जल्दी 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 वो एवेल्युएशन कर सकते हैं। उन लोगों को समटाइम्स क्या होते हैं, वो प्रेजेंटेशन अच्छा रहेंगे ना वो अच्छा से मार्क्स देगा, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। उसके लिए मैं जरूर ये वीडियो देख लीजिए, ये फॉरवर्ड कीजिए मेरे वीडियो को हर लोगों को जो इसका मदद मिल सके, उन लोगों को जो इसमें एक्चुअली आई बिलोंग टू कर्नाटका, आई एम नॉट मस्ट नोइंग हिंदी बट स्टिल दिस वीडियो नीड टू बी गेट बेनिफिटेड अक्रॉस इंडिया, सो दैट इज द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू, आई थिंक दिस वीडियो विल बी गोइंग टू यूजफुल फॉर यू ऑल स्टूडेंट स्पेशली एल एल बी स्टूडेंट्स, सो आई एम ऑल्सो एल एल बी स्टूडेंट्स, सो दिस माई टिप्स विल बी गोइंग टू गेट बेनिफिट यू ऑल पीपल। वंस अगेन आई विल रिपीट, फर्स्ट वी हैव टू कलेक्ट सिलेबस, देन सेकेंड यू हैव टू डाउनलोड और कलेक्ट 5 to 6 years प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, देन आफ्टर यू हैव टू मेक यूर ओन क्वेश्चंस लाइक प्रीवियस अर्लियर प्रीवियस क्वेश्चन यू हैव टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चंस, देन आफ्टर यू हैव टू स्टार्ट यूर ओन नोट्स लाइक यू हैव टू गेट कलेक्टेड 2 to 3 टेक्स्ट बुक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट्स, यू हैव टू गेट इट कलेक्टेड, यू हैव टू गो थ्रू विद दैट क्वेश्चंस एंड यू हैव टू राइट योर ओन आंसर्स फॉर ऑल क्वेश्चंस लाइक 45 to 50 क्वेश्चन पर ईच सब्जेक्ट, यू हैव टू मेक आंसर फॉर योर ओन, देन आफ्टर यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एग्जामिनेशन नियरली विच एवर कम्स, एनी हाउ यू हैव रिटर्न फॉर योर ओन नोट्स दैट यू हैव टू गो थ्रू अर्ली इन द मॉर्निंग लाइक 1 or 2 hours इज एनफ टू रीड, देन आफ्टर वाइल गेटिंग टू द एग्जामिनेशन डोंट बी गेट एनी नर्वस आर एजिटेशन, प्लीज बी देयर फॉर बिफोर 5 मिनट्स, देन आफ्टर यू हैव टू स्टार्ट एवेल्युएटर विल गिव क्वेश्चन पेपर्स, यू हैव टू स्टडी प्रॉपरली फर्स्ट, देन आफ्टर यू हैव टू थरोली चेक द क्वेश्चंस विच यू नो वेरी वेल दैट यू हैव टू प्रिपेयर फर्स्ट, फर्स्ट इंप्रेशन इज बेस्ट इंप्रेशन, क्यों लिखना है वो आपको अच्छा जो आना चाहिए आता है वो उसको क्यों लिखना है, वो लिखने लिखने के बाद आपको माइंड फ्रेश होता है, माइंड फ्रेश होने के बाद आपको जल्दी 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 जो अदर क्वेश्चंस को भी आप लिख सकता है अच्छा से। ऐसा मैं प्रिपेयर करके मैं इतना पढ़ाई करके अच्छा से मैं मार्क्स ले रहा हूँ, आप भी मेरा टिप्स लेकर आप अच्छा से मार्क्स ले लीजिए, जो ज़रूर मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छा वीडियोस मिलता रहेगा आपको एलएलबी के बारे में। प्लीज़ डू फॉरवर्ड एज मच एज पॉसिबल दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंस टू लिसन माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।